अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप के सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। वेल, आज हमारी ट्रैवलिंग का सेकंड डे है और हम इस होटल से चेकआउट करने वाले हैं। करंटली हम मौजूद हैं रेजाइना में और अब हमारी जो आज की डेस्टिनेशन होगी वो होगी विनिपेग, राइट? ओके, सो विनिपेग में जो है वो आज बहुत शदीद ठंड होने वाली है, नेगेटिव टेम्परेचर है। सो आई हैव ड्रेस्ड अप अकॉर्डिंगली। बाकी आपको रास्ते की अपडेट्स मिलती रहेंगी। अभी हमने नाश्ता कर लिया है, हमारी पैकिंग हो गई है और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। इस वक्त हो रहे हैं 9:20 यहाँ पे और हमारा आज का जो ट्रैवल है वो कंपैरेटिवली बाकी दिनों के लिहाज से सबसे छोटा है। आज हम सिर्फ 6 घंटे ट्रैवल करे होंगे। सो दैट्स गुड, लेट्स गो। यूसामा को चेक करें, ये अपना एंजॉय करने में लगे हुए हैं। हम लेट हो रहे हैं। सो गाइज, वी आर एट आवर फेवरेट प्लेस येट अगेन। गेस करें क्या है, जरा कमेंट में लिखें। चलिए, आप सबने गेस कर लिया, मैं आपको बताती हूँ। ये चेक करेंगे। हम हैं इस वक्त टिम हॉर्टन्स पे कॉफी लेने के लिए। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और हमें कॉफी। और अभी हमारा जो ट्रैवल है वो तकरीबन 3.5 घंटे का रहता है और इस वक्त हो रहे हैं 12 यहाँ के हिसाब से। आपके टाइम के हिसाब से हाल है रात के 11 हो रहे होंगे। ओके, लेट्स गो इनसाइड एंड गेट कॉफी। जस्ट एज टोल के आज का हमारा ट्रैवल छोटा होने वाला है। सो इट्स आई थिंक 3:55 हो रहे हैं और हम होटल पहुंच आए हैं। बड़ा सुकून से सफ़र जो है वो हमारा गुजर गया है। लेट मी गिव यू अ टूर ऑफ द रूम। सो आज हम रह रहे हैं सुपर 8, इस होटल का नाम है और हम हैं विनिपेग में इस वक्त और बाहर बहुत ठंड है यहाँ पे। थैंक गुडनेस कि मैंने कपड़े गर्म पहन लिए थे। सो let's just go ahead and take a tour of the room, okay? So that is the door that you come in from and इसके साथ ही like the other room यहाँ पर एक छोटी सी space है जहाँ पे नीचे आप बैग्स रख सकते हैं, शूज़ रख सकते हैं, अपनी जैकेट्स वगैरह लटका सकते हैं। एंड यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रा पिलोज भी दिए हुए हैं just in case you want to have more pillows. ओके, सो यहाँ से आगे आप जैसे ही आते हैं देयर इज़ अ सिंक एंड यू माइट वॉन्डर कि ये सिंक यहाँ क्या कर रहा है। सो लेट मी जस्ट शो यू कि ये यहाँ क्या कर रहा है। इसके ऑपोजिट अगर आप देखें तो ये वॉशरूम है एंड देयर इज़ नो सिंक इन द वॉशरूम, लाइक नो सिंक। So they decided why not put it in the room, क्योंकि सिंक तो देना था ऑब्वियसली, उसके बगैर गुजारा नहीं था। और उन्हें जगह नहीं मिली तो उन्होंने कहा कमरे में लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर सीटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बेंच पड़ा हुआ है, बेंच पे मेरा बैग पड़ा हुआ है, बैग पे मेरी क्रोशे हुई हुई स्वेटर वेस्ट पड़ी हुई है जो आप इंस्टाग्राम पे देख चुके होंगे, मैं रास्ते में कंप्लीट करती रही हूँ। और उसी के साथ जो है वो वर्क डेस्क पड़ा हुआ है जी, ड्रॉर्स हैं थोड़े से, टीवी है। एंड एक और वियर्ड चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। They have given this huge mirror here, but for some reason they decided let's just cover it up with this big lamp. I don't know, like कौन सोच रहा था इस रूम को डिज़ाइन करते टाइम, but they decided the weirdest things। और ये कोने में आप देख सकते हैं जी, फ्रिज है और ये कॉफ़ी मशीन है, कॉफ़ी वगैरह पड़ी हुई है। और ये आ गई हमारी खिड़की, अभी तक मैंने व्यू चेक नहीं किया है बट लेट्स चेक इट आउट टुगेदर। आओ, बाहर धूप निकल आई है, जब हम आए थे तो सूरज नहीं था कहीं भी। सो हम आज जो है वो ग्राउंड फ्लोर में हैं, कल हम ऊपर थे, ऊपर से व्यू अच्छा होता है वैसे। सो दिस इज़ द व्यू वी आर हैविंग। और ये इतना बड़ा जो है यहाँ पर रेडिएटर है, रास्ते में लगा हुआ है। ये रहे उसामा आराम करते हुए। और ये पीछे जो है वो फ्रेम लगी हुई है बहुत बड़ी सारी। एंड देन देयर इज़ दैट सोफ़ा। तो रूम जो है वो पिछले रूम से छोटा है, चीज़ें जो है इसमें ज़्यादा पड़ी हुई हैं पिछले रूम से। इसके अलावा जो होटल की अमेनिटीज़ वगैरह हैं, जो ब्रेकफास्ट वगैरह है वो बाहर ही मिलेगा, बट वहाँ डाइनिंग जो है वो अलाउड नहीं है। तो आप वहाँ से पिक करके अपने कमरे में आके जो है वो अपना नाश्ता करेंगे। और इसके अलावा इन्होंने सूप प्रोवाइड किया हुआ है जो 4 बजे से 8 बजे तक अवेलेबल होता है, आप बाहर जाके अपने लिए डाल के ला सकते हैं। और बाहर कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट, चाय वगैरह का सामान बाहर भी पड़ा हुआ है, आप वहाँ से चाय कॉफ़ी जो है वो फ्री में हर टाइम पी सकते हैं। सो दिस इज़ इट। हाँ, लॉन्ड्री के लिए कल भी जो है वो होटल में एक लॉन्ड्री रूम था और आज भी जो है वो लॉन्ड्री रूम एक है। आप सिर्फ टाइम बुक करते हैं और जाके अपनी लॉन्ड्री जो है वो ख़ुद कर सकते हैं। आई थिंक कि यहाँ पे कार्ड वाला या कॉइन वाला सिस्टम होगा। तो ये जी, ये रहा रूम हमारा। हम आपको हेलो कर रहे हैं। कितनी ठंड होने वाली है? हाँ, just to give you an idea, right now it's saying 2 degrees Celsius और it feels like -5। रात को 12 बजे -3 and it will feel like -10। कुछ घंटे आगे चलते हैं, इस टाइम पे हम सुबह निकल रहे होंगे प्रॉब्ली -14 and feels like -26। कल दोपहर को 12 बजे -20 and it feels like -32। तो आज रात को मैं गाड़ी को प्लग इन ज़रूर करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गाड़ी की बैटरी की बैंड हो जाए। तो यस, ओके, दैट इट वाज अ गुड डिसीजन कि मैंने जो है ना ये कंप्लीट कर ली है। एंड कल आई विल बी वेयरिंग दिस। यस, आई वाज वरीड कि मुझे ये पहनने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ये गर्म है। ओ यस, जरा खुशी चेक करें मेरी। आप भी चेक करें जी, मैं बहुत खुश हूँ। ये चेक करें, आपको मैं दिखाती हूँ। So it has cowl as well integrated into it। तो कल मेरी गर्दन भी जो है वो गर्म रहेगी। आप इसकी बात है, मुझे लगा कि तूबा एक बाजू बना के दूसरा बनाना भूल गई है क्योंकि ये बहुत लंबी मैंने बनाई है ना, ये देखिए इतनी लंबी काउल मैंने बनाई है इसके ऊपर। I wanted it to be bulky। जब कल मास्क की जरूरत पड़ेगी तो इसको खोल के ना I love this outfit. Don't look at my socks today. Still looking. देख लीजिए। I like them but they don't go with the outfit, but it's okay। बस करें ना, मैं तो मॉडलिंग करती रहूंगी। अच्छा तो गाइज अभी के लिए मेरा प्लान ये है, क्योंकि 4 हो रहे हैं तो मैं तो जाके ना सोने लगी हूँ, आराम करूँगी और फिर उठ के जो है ना हम डिनर का सोचेंगे। लंच हमने नहीं किया हुआ, आज हमने डोनट भी नहीं खाया, लेकिन इट्स ओके। तो अब मैं जाके जो है ना बस सोने लगी हूँ। 2 घंटे मेरा हाल सोऊंगी मैं, फिर उठ के हम नमाज वगैरह पढ़ के फिर डिनर करने जाएंगे। सो गाइज वी आर रेडी अगेन। सिर्फ नैप मैंने लिया था, वो सामान नहीं लिया था। अब हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाना खाने, 2 भूखे लोग। यस, बहुत शरीर। तो गाइज दिस इज विनिपेग फॉर यू। बर्फ़ों के पहाड़ बने हुए, बहुत बर्फ़ हुई है यहाँ पे रिसेंटली आई थिंक। रोड्स भरी हुई हैं अभी तक। एंड दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग, टेस्ट ऑफ मेडिटरेनियन। सो आई डोंट नो कैसा होगा। सामा मेरा वेट करें, लेट्स गो। मेरे निकलने की जगह भी नहीं है। आई रब्बा। सो विनिपेग के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छी जगह, अच्छी जगह। ये बिल्कुल एबटाबाद की तरह है, एक ही रोड पे चलते जाएं और सब कुछ रोड की साइड पे है। So guys, they claim that they have the best shawarma in whole Winnipeg, and let's just see what we have ordered। या prices वगैरह देख सकते हैं इनकी। तो हम usually platters मंगाते हैं, तो I ordered this one chicken souvlaki platter, और उसामा ने मंगाया है this hungry meat platter। Of course। हाँ, उसामा को जो है ना हमेशा मीट वाली चीज़, बीफ वाली चीज़ पसंद होती है। And I order chicken always. I don't know why. It's safe because मुझे beef में से smell है। It doesn't have to be beef. I am impartial to lamb, beef। Yeah, मुझे गोश्त में से अक्सर smell आती है, तो इसलिए मैं chicken के साथ ही जाती हूँ, क्योंकि chicken में smell नहीं होती। और मुझे अगर smell आ रही हो तो मैं नाक बंद कर लेता हूँ। So yes, और ये बाकी भी आप देख सकते हैं इनकी चीज़ें। Now we are just waiting for our order to come। बहुत भूख लगी हुई है। हमने दोपहर में इवन स्नैक भी नहीं खाया, मैंने डोनट भी नहीं खाया। आपने बहुत सारे, आपने अपने नाश्ता भी हैवी किया था और आपने स्नैक्स भी खाए थे अपने, प्लांटेन चिप्स बहुत सारे। आई डिडंट ईट एनीथिंग। मैंने 2-3 कैरेट्स छोटी-छोटी खाई थी। आई फाउंड अ न्यू स्नैक बाय द वे, प्लांटेन चिप्स। आप बताएं। ओके, ही लव्स हिज प्लांटेन चिप्स। मुझे लगता है बैंगन के पकौड़ों की तरह होते हैं। दे आर नाइस, या दे आर नाइस, बट उनका टेस्ट जो है ना बैंगन के पकौड़ों की तरह होता है। दैट्स माय वे ऑफ ईटिंग फ्रूट। सो गाइस हमारा खाना आ गया है। लेट मी जस्ट शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। ओ लुक्स नाइस। ये उसामा का खाना इस करके बताएं कैसा है। लेट मी टेस्ट योर्स। गिव मी दिस स्पून और समथिंग। नाइस है। सो गाइज़ यहाँ पर फिर से बर्फ़ हो रही है, और आप चेक करें कितनी तेज़ बर्फ़ हो रही है। जब हम अंदर गए थे तो ये बर्फ़ सिर्फ कीचड़ था, और इसके ऊपर एक पूरी लेयर वाइट बर्फ़ की फिर से जम चुकी है। सो तभी यहाँ पे इतना मसला है, बर्फ़ हर जगह पड़ी हुई है। यस, ऐसी कैलगरी में इस दफ़ा बर्फ़ नहीं लगी। आई शुड बी हैप्पी अबाउट इट बट आई वॉज मिसिंग इट। इस दफ़ा मुझे वेट था कि ऐसी बर्फ़ हो और मैं उसको इंजॉय करूँ, बट नहीं हुआ ऐसा। सो आई थिंक इसलिए हम यहाँ पे हैं, इंजॉय करने के लिए। बाय द वे हमने अभी खाना ख़त्म किया है। ये था टेस्ट ऑफ मेडिटरेनियन। इट वाज ओके, नॉट टू स्पेशल। अगेन शॉर्मा प्लेस थी, इनके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस थे बेसिक शर्मा के अलावा भी, बट बहुत अच्छी नहीं थी, बस ठीक थी। सो आई थिंक द एक्सप्रेशन दैट यू लुकिंग फॉर इज नथिंग टू राइट होम अबाउट। ओके यस, जैसे कि गोरे कहते हैं नथिंग टू राइट होम अबाउट। सर्दी है यहाँ पे, प्लीज़। अब हम रास्ते में टिम हॉर्टन्स पिक करेंगे, फ्यूल डलवाएंगे एंड देन वी आर गोना हेड बैक। कल बहुत लंबा दिन है। सो गाइज, आई वॉज मेकिंग कॉफ़ी एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड। माशाल्लाह से। व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट इट? Let's clean it up. No comments. I still have to sleep here. I'm not sleeping on the sofa. When did you ever sleep on sofa before? That was your own choice. Okay. So guys, I was just thinking कि I can ditch this, like deceive this machine. मैंने इसके अंदर यहाँ पर ये नहीं रखा पॉड, तो I thought कि गर्म पानी जो है शायद निकाल दे, but ये इंटेलिजेंट है और ये पानी नहीं दे रही। And we do have a microwave here, लेकिन माइक्रोवेव के साथ इशू ये है कि ये जो कप्स हैं ये कार्डबोर्ड वाले कप्स हैं कागज़ के, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि अगर ये माइक्रोवेव उनको जला ना दे, क्योंकि यूजुअली यही होता है कि उसको आग पकड़ लेती है। सो वी आर जस्ट गोना गो आउट एंड गेट सम हॉट वाटर नाउ। गुड थिंग दैट दे हैव हॉट वाटर अवेलेबल। सो गाइज़, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक राइट नाउ। वी आर जस्ट गोइंग टू स्लीप। 10 हो गए हैं, बल्कि 11 हो गए हैं, 10 का हो गए, और सुबह हमने जल्दी उठना है। विल सी यू टुमारो। और बस कल लंबा दिन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। गुड नाइट।